अब भारमली को एक दिन बैठे बैठे विचार आया मन में, मालदेव को कहा कि राजा मालदेव मेरे को जैसलमेर जाना, मैंने पियर याद घणिया होए। गाना है ना एक मारवाड़ी में, पियर लेरा झड़कला मैंने याद घणे रहा होए। मालदेव ने कहा जा बारमली जाके आ, जैसलमेर जा, पियर जाके मिल के आ, तो भी तो यहां आई है, तेरा भी तो पियर जैसलमेर है ना, टेंशन ना कर अब तू, अब मेरे साथ में तू। उसने कहा कि मुझे जैसलमेर वाले बाटी मार देंगे, कोई नहीं मारेगा, जा। मैं जब शादी करने आया तब मारा मुझे किसी ने, तूने तो कहा था ना हाउ आर यू। तो क्या हाँ साहब वो तो बड़े जोरदार आप, ठीक है जा। वहां पर बारमली आई जैसलमेर, जैसलमेर में आई, लूणकर्ण जी की पत्नी थी, उनको बड़ा दुख हुआ। माँ को बहुत दुख होता है, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, माँ को हमेशा दुख होता है। लूणकर्ण की पत्नी ने अपने भाई बाग सिंह, और बाग जी थे कोटड़ा के, कोटड़ा बाड़मेर शिव में पड़ता है, कोटड़ा के बाग सिंह राठौड़ को समाचार मिला के, हे बागा तू आ और इस भारमली को ले जा। अपने भाई साहब जो नाराज हुए ना इस भारमली के कारण हुए, ये दुख इसी ने ही दिया है सब कुछ। बागा आया जैसलमेर, कुछ दिन रुका बागा, बड़ा प्रतापी और पौरुषो तो मर्द बागा था। भारमली से भी थोड़ी बहुत पहचान हुई उस बागे की। बागे का वापस जाने का टाइम हुआ तब लूणकर्ण जी की पत्नी ने कहा कि भारमली आज मेरा भाई वापस कोटड़े जा रहा है, जा और तू थोड़ा तिलक विलक लगा के मोली वोली बांध, उसको गुड़ दे दे मुंह में। अब बागा वापस जा रहा है और बागे का जाने का टाइम हो गया। बागे ने ऊंट को झेक करके, ऊंट के ऊपर बागा बैठ चुका है, और बैठने के बाद में भारमली पास में आई है, और पास में आकर के भारमली ने ज्यों ही मोली वोली बांध के तिलक करके न गुड़ दिया, न गुड़ बागे ने खा करके मारा झपटा, और उस भारमली को बैठा दिया किसके ऊपर, ऊंट के ऊपर, ऊंट के लगाई एडी, और बागा जब निकलता था तो बिजलियां चमकती थी। वहां से साथ में कुछ बारमली के कमांडो गए थे, वो तो देखते रह गए, और बागा जी तो लेकर के बारमली को आ गए, कहां पर, कोटड़ा आ गए। पीछे मालदेव को समाचार मिला के बारमली को तो बागो ले गयो, मालदेव के मुंह से निकला के बागो कोई मनक थोड़े है, ऐसा बागे के बारे में कहा जाता था। बागा बड़ा वीर पुरुष था, अमीरों को लूटता था, गरीबों को बांटता था, बागे के नाम से धरती दूजती थी। कभी सोनियों की बरातें चढ़ती थी तो वहां पर गहने भी लूटा करता था। तो ऐसी स्थिति के अंदर मालदेव ने कहा कि मेरे साथ तो बड़ी बुरी हुई, रानी साहब भी गए और बारमली भी गई। एक दिन आशा जी को बोला कि आशा जी रानी साहब तो वापस आ गए थे, दोहा तो आपने बोला था ना, तो के बिल्कुल, अब मैंने सुना है कि बागा आपका बहुत अच्छा मित्र है, आप चाहो तो भारमली को वापस ला सकते हो। और भारमली के जब उधर समाचार पता चले तो भारमली बागे के साथ बड़ी खुश है, अरे बढ़िया कोटड़े में रह रही, ठंडी हवा है, खुली खिड़कियां, जोधपुर में घुटन भरी जिंदगी, उसको तो बड़ा आनंद आ रहा है, वो खेत खलियान। वो बार बार बागे को कह रही है कि मुझे वापस जोधपुर मत भेजना। बागे कहे तू ये हो रही है, तो कहे बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, मैं जोधपुर नहीं जाऊंगी वापस, कोई नहीं ले जाएगा, मारो नाम बागो है। ऐसी स्थिति के अंदर आशा जी बारठ के आने के समाचार सुने कि आशा जी बारठ आ रहे हैं, बारमली को टेंशन होने लगी। बारमली ने टेंशन ने टेंशन में बागा जी को कहा कि सुना है मैंने आज आपके परम मित्र आशा जी आ रहे हैं, तो कहे बिल्कुल आज तो अपने लिए खुशी की बात है, तो कहे नहीं नहीं, नहीं 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 खुशी की बात नहीं है, ये दुख की बात है। तो कह कैसे के मुझे पता है कि ये आशा जी बारट उमादे को लेने के लिए गए थे, उसके बाद ईश्वरदास जी गए थे, और ये आशा जी आज मुझे भी लेने के लिए आ रहे। कहा भारमली तू टेंशन मत कर, तुझे ले जाने नहीं दूंगा, तो कह नहीं मुझे ले जाएंगे। फिर भी उसको समझाया गया कि तुझे ले जाने नहीं दूंगा, तू चिंता मत कर। अब बागा और भारमली अपने क्षेत्र सीमा तक, कोटड़े की सीमा तक सामने रवाना हुए हैं, सामने रवाना हुए, और जैसे ही सीमा में आशा जी ने प्रवेश किया, और बागा हमेशा आशा जी के गले मिलता था, आज बागा गले नहीं मिला, और बागे ने क्या कर दिया, बागजी राठौड़ ने एक पैर पकड़ लिया, पैर पकड़े बागा जी उठे ही नहीं। आशा जी ने दो तीन बार कहा बागा गलत बात है, हमेशा तो आके गले मिलता था, आज पैर पकड़ा,
आज लगता है तेरी दाल में कुछ काला है। दाल में काला था या दाल पूरी काली थी? आज लगता है बागा कुछ दाल में काला था। दूसरा पैर भारवली ने पकड़ लिया, दोनों पैर पकड़े हैं बागा, आशा जी खड़े हैं। तब ऐसी स्थिति में बागा ने कहा, आशा जी दो वचन तो मैं पग छोड़ूं। तब उन्होंने कहा कि ले दिया वचन, तू पग छोड़। तब के पहले स्टाम नहीं होते थे, क्या होते थे? वचन। बोध वचनों के लोग पक्के होते, वचन दे दिया उसके बाद मांगते थे और उसका यश किया जाता था। के बोल बागा दिया तुझे वचन, के दे दो आशीर्वाद, के जोड़ो अमर रहे। आशा जी आशीर्वाद दियो, के जोड़ो अमर रहे। अब आशा जी को कहा कि आशा जी वापस जाके क्या करोगे? वैसे मालदेव जी कहेंगे आपको के भारमली को लाए नहीं, आप यहीं रहो, हमारे पास ही रहो। अब आशा जी भी कोटड़ा, बाघा जी भी कोटड़ा और भारमली भी कहाँ रह रही है? बाघा बले धड़ कोटड़ा, धनी फुलड़ा जासी झड़े फू बासनी जासी बाघ जी, वो बाघ जी थे बाघा जी। ऐसी स्थिति में बड़े आराम से रहते थे और उनकी मृत्यु के बाद आशा जी बड़े दुखी मन से रहते थे। एक बार अमरकोट के राजा ने आशा जी बारठ को कहा कि दिन और रात आप बागा बागा करते रहते हो, हमें पता है दिन और रात आप बागा बागा करते रहते हो। आप एक रात अगर बागे का नाम नहीं लो, एक रात अगर बागे का नाम नहीं दो तो मैं 4 लाख आपको राशि दे दो, एक रात। आशा जी के बेटों ने भी कहा पिताजी एक रात आप राम मत छोड़ दीजिएगा, एक रात की तो बात है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आज की रात बागे का नाम नहीं लूंगा। सैनिकों कहा कि ध्यान रखना कि बागे का नाम लेता है नहीं लेता है। तीसरी पहर निकल गई है लेकिन आशा जी से अपने दोस्त की याद छुट्टी नहीं जा रही थी। और आशा जी थोड़ी थोड़ी आंखें झपकिया लेते, झपके झपके आशा जी के मुंह से निकल गया, बागा आ बले धड़ कोटड़े, धनी फुलड़ा जासी झड़े बासनी जासी बाघ जी। फूल झड़ जासी लेकिन आदमी की बास नहीं जाती है। ठोड़ ठोड़ पग दौड़, अमरकोट के राजा को क्या कहा के ठोड़ ठोड़ पग दौड़, करसों पेटरे कारणे, किसके कारणे? हम ठोड़ ठोड़ घूमेंगे, पग दौड़ करेंगे, करसों पेटरे कारणे। ठोड़ ठोड़ पग दौड़, करसों पेटरे कारणे, रात दिन राठोड़ भूलो नहीं बागा थने, भूलो नहीं बागा थने। कितने लाख गुमा दिए? 4 लाख आशा जी ने लेना उचित नहीं समझा लेकिन अपनी दोस्ती निभाई थी। बाड़मेर क्षेत्र के अंदर बागा और बारमली की कहानियां बहुत प्रसिद्ध है, सवाल बन सकते हैं आज की तारीख में कि बागा बारमली की कहानी बाड़मेर के किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? कोटड़ा कहाँ पड़ता है? शिव कोटड़ा पड़ता है, वो कोटड़ा था। तो बेगा पधारो बागजी सोना रोरी जान, तो ये बागजी थे। मालदेव जी अपनी आदतों के कारण ऐसे थे, उधर उमा देवी चली गई और इधर कौन चली गई? बारमली भी चली गई। तो रानी सा का ये किस्सा गजब का किस्सा था।